தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என்னாடவர்க்கும் இறைவா. அருணாச்சல் சிவ मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र पर विशेष शिव पूजन। आद्रा नक्षत्र पर किया गया पूजन बहुत अधिक फलदायी होता है, और इसलिए जो शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हैं वो सदैव ही आद्रा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र पर विशेष शिव पूजन करते हैं। और अब जो कि कार्तिक मास चल रहा है, जो कि शिव पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे विशेष समय में आद्रा नक्षत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस बार आद्रा नक्षत्र 22 अक्टूबर मंगलवार को व्याप्त रहेगा। पूरा दिन ही आद्रा नक्षत्र व्याप्त होने वाला है, चाहे सुबह या शाम जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, या रात्रि में भी जब भी आपको अवसर मिले, जब आपको सूटेबल लगे तब आप शिव पूजन करिए। पूरा दिन 22 अक्टूबर मंगलवार को आद्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा, जब भी आपको अवसर मिले तब आप शिव। बात करते हैं क्या विशेष हमें इस दिन शिव पूजा में करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक में इस दिन आपको स्वामी को सबसे पहले शुद्ध शीतल जल से आप भगवान का अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से आपको अभिषेक करना है। गंगा जल के उपरांत आप तिल के तेल के साथ स्वामी का अभिषेक करें। पूरे अभिषेक आप नमः शिवाय बोलते हुए, शिव पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए, या नमः सोणाद्रिनाथाय बोलते हुए, या फिर अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव बोलते हुए भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दही से स्वामी का अभिषेक करना है, ताकि जो चिकनाहट है शिवलिंग पर जम जाती है तेल से, घी इत्यादि से, उसके लिए दही एक उत्तम द्रव्य होता है। तो दही से आप स्वामी का अभिषेक करें। दही के उपरांत आप स्वामी का पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक करें। चाहे आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं, या कोई भी सुगंधित पुष्प हो, केतकी को छोड़कर या केवड़े को छोड़कर के, और आप सुगंधित शीतल पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके उपरांत सबसे अंत में आप गंगा जल से पुनः स्वामी का अभिषेक करें। अभिषेक होने के उपरांत आप लिंगम को अच्छी तरह से साफ करके भस्म का त्रिपुंड अंकित करें। बहुत सारे शिव भक्त नाना प्रकार के दूसरे देवी देवताओं की आकृतियां या फिर उनके नाम वगैरह शिवलिंग पर लिख देते हैं, किंतु ये उचित नहीं होता है। स्वामी पर त्रिपुंड ही सुशोभित होता है, इसलिए भस्म का त्रिपुंड स्वामी को आप लिंगम पर बनाइए। इसके बाद आपको 21 दीपक शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, और कार्तिक मास मतलब दीपोत्सव ओनली, और कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट अरुणाचल से रिलेट करते हैं। तो एक शिव भक्त ने क्वेश्चन किया था कि कार्तिक मास को भगवान विष्णु से संबंधित करके देखा जाता है, ये शिव से कैसे संबंधित है। कार्तिक मास में इतने इवेंट होते हैं स्वामी से संबंधित, यहाँ तक कि अरुणाचल में भी जो उत्सव होते हैं वो सभी कार्तिक मास में ही महत्वपूर्ण है। स्वामी ने इतनी अद्भुत जो लीलाएं संपन्न की हैं वो सब कार्तिक मास से रिलेट करती हैं, इसलिए डायरेक्ट कार्तिक मास छोड़िए, हर मास ही केवल शिव का है, ऐसा एक शिव भक्त को सदैव सोचना चाहिए। और इतने उत्सव स्वामी के आते हैं कार्तिक मास में, तो इतने सारे उत्सव आएंगे, यदि आप करना चाहें तो आपको पूरा कार्तिक मास दीपावली अनुभव होगी। तो कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व है शिव पूजा के लिए, शिव भक्तों के लिए। जैसा श्रावण मास को हम रिलेट करके देखते हैं, उससे भी कहीं अधिक कार्तिक मास है शिव से संबंधित है। यहाँ तक कि स्वामी ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया, एक और जो ब्रह्मा जी को दिखाया था वो एक अलग भाग था, और जो एक और देवी को वाम भाग में स्थान दिया था, अरुणाचल की परिक्रमा की थी माता ने, और अरुणाचल की आराधना करके शिव एकत्व को पुनः प्राप्त किया था। अरुणाचल पर्वत के जो चोटी है, जो ऊपर का भाग है, उसमें शिव पार्वती के चिन्ह पद चिन्ह आज भी अंकित है, और उनकी पूजा होती है। कार्तिक मास में ही दीपोत्सव आते हैं, कार्तिक मास में ही स्वामी वहां पर विद्यमान रहते हैं, ऐसा बताया गया। कार्तिक मास में यदि कोई शिव भक्त अरुणाचल का स्मरण मात्र करता है, अरुणाचल का स्मरण मात्र करता है, तो उसे क्या पुण्य प्राप्त होंगे उनकी गणना नहीं की जा सकती है। अरुणाचल का नाम लेकर के यदि कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास यदि कोई दीपोत्सव करता है अपने घर पर ही रहकर, तो उसे भी शिव कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो अरुणाचल डायरेक्ट कार्तिक मास से रिलेट करते हैं। और जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभाव वाली ज्योति स्वरूप स्वामी जब प्रकट हुए थे, जब माता पार्वती को दर्शन दिया था,
वो भी कार्तिक मास में ही हुआ था। कार्तिक मास मतलब अरुणाचल ओनली, इतना ही आप समझिए। अब 21 दीप आप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करेंगे। अब एक शिव भक्त ने पूछा था कि ये दीपक जला करके घुमा करके फिर कैसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, खाली दीप रखिए और उन्हें प्रज्वलित करिए, ऐसा करिए कि आपने शिवालय को जगमग कर दिया है, केवल इतनी भावना। ज्यादा प्रपंचों में यह सब में नहीं पढ़ना है आपको, केवल दीप आप दीपदान शिवलिंग के लिए करिए और स्वामी को हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, इतना ही आपको करना है। और जैसे 21 दीप आप प्रज्वलित कर लेंगे उसके उपरांत 21 बिल पत्र, यदि आपको बिल पत्र मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा 21 फूल, या फूल भी ज्यादा नहीं तो फूलों को तोड़ करके पत्तियां कर लीजिए और 21 बार ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर 21 बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, 21 पुष्प चढ़ा सकते हैं, 21 पत्तियां चढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप 21 की क्वांटिटी में आप ये कर सकते हैं। मंत्र आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा, ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, ये स्वामी की स्तुति स्वरूप नाम है भगवान का, और इसमें पहला जो अपीत कुचंबा है वो अरुणाचल में प्रतिष्ठित माता आदिशक्ति का नाम है, अपीत कुचंबा, अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः। तो इस अद्भुत नाम का जाप आप करते हुए 21 बेलपत्र 21 पुष्प शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाइए। और इसके बाद जैसा आपने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं उसके बाद थोड़ा समय आपको शिवलिंग के पास में व्यतीत करना है त्रिशूल मुद्रा लगा करके, ये जो छोटी उंगली है और अंगुष्ठ है इसको ऐसा जोड़ करके त्रिशूल मुद्रा करके बस थोड़ा अरुणाचल का अपने हृदय में ध्यान करेंगे। अरुणाचल पर्वत का स्मरण यदि आपको है कैसा दिखता है अरुणाचल पर्वत, जो इसमें आप पीछे जो पर्वत देख रहे हैं वो अरुणाचल ही है, तो इसका ध्यान भी आप कर सकते हैं, या केवल ज्योति स्वरूप निराकार, कोई स्वरूप नहीं स्वामी का, केवल एक प्रचंड ज्योति जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक दैदीप्यमान है, ऐसी ज्योति का अपने हृदय में ध्यान करते हुए त्रिशूल मुद्रा आप लगा सकते हैं। केवल 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है, 2 मिनट करके और फिर स्वामी को सिर के ऊपर हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः बोलें। इसके बाद जो नैवेद्य की बात करें तो आपको खीर का नैवेद्य इस दिन स्वामी के लिए बनाना चाहिए, ये नैवेद्य पूजा के दौरान आप शिवलिंग के पास में रखिए और स्वामी को निवेदन करने के बाद आप ये स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और दूसरे जो शिव भक्त हैं उनको भी या अपने परिवार जनों में भी प्रसाद स्वरूप में से, पहले जब आप लेकर आते हैं तो ये केवल खीर मात्र होती है, जब आप पूजा करते हैं नाम जाप करते हैं अरुणाचल नाम जाप करते हैं स्तोत्रम जो कुछ भी मंत्र जाप करते हैं उसके बाद पूजा समाप्ति के बाद जब आप इसे उठाते हैं तो ये महाप्रसादम हो जाता है, तो इस महाप्रसादम को आप स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरे से भक्तों या अपनी फैमिली मेंबर के साथ भी इसे वितरित करें। इस दिन आपको नंदी जी की सेवा करनी है, नंदी जी की सेवा में आपको गुड़ नंदी जी को खिलाना है और गुड़ ना मिले तो फिर मसूर की दाल जो लाल दाल होती है वो आप नंदी जी को खिला सकते हैं। स्वामी की प्रदक्षिणा करें, 3 प्रदक्षिणा आपको अरुणाचल से अरुणाचल से बोलते हुए करनी है और फिर दंडवत साष्टांग जो भी प्रणाम आप करते हैं वो करिए। जब भी आप शिव को प्रणाम करें शिवलिंग को प्रणाम करें तो सिर के ऊपर हाथ जोड़ करके, जैसा पूरा ये इस प्रकार नहीं जुड़ता है, केवल ये जो फिंगर टिप्स होती हैं यही जुड़ती हैं और इस प्रकार से आप स्वामी को सिर के ऊपर हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। अन्य किसी देवी देवता के लिए ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ सहस्त्रार में शिव का ही वास होता है, इसलिए इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको स्वामी को प्रणाम करना है और इसी दिन आपको 21 प्रदक्षिणाएं बिलो वृक्ष की भी करनी है, अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव बोलते हुए प्रेम पूर्वक आप स्वामी के इस स्वरूप बिलो वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। तो ये थी जानकारी अद्रा नक्षत्र के बारे में, अभी तक के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें, अरुणाचल शिव।